पानी की तो बहुत समस्या है भाई साहब, 20 साल से हमारा बांध नहीं भरा, बोरों से परेशान है। बदलाव, पक्के में बदलाव। अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान की तारीख तय हो चुकी है और ऐसे में अब सभी जगह केवल और केवल चुनाव की ही बात चल रही है। गौरतलब है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही जनप्रतिनिधि सक्रिय होकर जनता से वादे करने लगते हैं, लेकिन चुनाव में एक बार जीत मिल जाने के बाद उन वादों पर पलीता लगाते हुए भी नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ विधानसभा भितरवार में देखने को मिल रहा है, जहां कई सालों से कांग्रेस के विधायक विधायकी कर रहे हैं, जिनका नाम है लाखन सिंह। उनकी विधायक के अंतर्गत कई ऐसे कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं, जिनके कारण क्षेत्र की जनता का हाल बेहाल हो गया है। हिम्मतगढ़ तालाब, ये मेरे सामने आप पीछे मेरे पट्टे का देख सकते हैं, इसमें हिम्मतगढ़ तालाब की बात जिक्र है। अब मैं आपको सिर्फ उस तालाब का सीन दिखाना चाहूंगा जहां पर आज ये खेती हो रही है लंबे समय से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लंबी जगह पे खेती हो रही है, क्योंकि ये इस तालाब में पानी ही नहीं आ पा रहा है। और यहाँ के लोगों के आरोप है, बात करेंगे, यहाँ के एक व्यक्ति मेरे साथ खड़े, कई लोग खड़े हैं यहाँ पे, लोग बार बार यहाँ के करीब 25 गांव इस तालाब से लाभान्वित होते थे, जिसकी वजह से 25 गांव में खेती की बहुत ज्यादा उन्नति थी। क्या नाम है आपका? रफीक मोहम्मद। रफीक जी, लगातार मतलब आप लोगों ने ये बात मेरे सामने रखी कि तालाब से यहाँ के 20-25 गांव का पेट पलता था। आज क्या स्थितियां हैं? आज स्थितियां बहुत खराब है। तालाब को मतलब भरने से रोकने में क्या विधायक जी का हाथ है? भरने में रोकने का विधायक जी का हाथ है, कांग्रेस वालों का। हाँ, वो बरनी मेरे जाए तो इस बार क्या 25 गांव के लोग एक होके विधायक जी को अपनी वोट का ताकत एहसास कराएंगे? हाँ, कराएंगे ना, जनता पार्टी को कराएंगे बेकसर। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि इस तालाब की वजह से लगभग 25-30 गांव आज अपने पेट के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। तो क्या इस जद्दोजहद से ये जूझ पाएंगे या दिखाएंगे अपने क्षेत्र में अपनी वोट की ताकत? तो देखा आपने किस तरह कई गांव में हिम्मतगढ़ तालाब से पानी नहीं जाने के कारण ग्रामवासी परेशान हैं, किस तरह विधायक अपनी विधायकी से हाथ धोकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, विधायक द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण क्षेत्रवासी अब बड़ी ही परेशानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं ग्रामवासियों से कि किस तरह वे विधायक के कार्यों से संतुष्ट हैं या फिर अत्यंत परेशान हैं। लगातार 15 साल से क्षेत्र में आपके कांग्रेस के विधायक हैं, लगभग 15 साल से बीजेपी की सरकार है, 1.5 साल बीच में कांग्रेस की सरकार भी रही इस पीरियड में, तो क्या लगता है आपको, क्या विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं? हमारे क्षेत्र में कोई विधायक जी ने कोई काम नहीं करवाया। लाइट भी जैसे कि आर की लाइट बहुत कम मिल रही है। और आपके क्षेत्र में पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की तो बहुत समस्या है भाई साहब, बहुत समस्या है। कितने समय से लगातार आप पानी की समस्या से जूझ रहे? कम से कम 20 साल से हो रहा है। 25 साल से हमारा बांध नहीं भरा, बोरों से परेशान है। विकास तो कछु नहीं हो साहब, बिल्कुल नहीं हो। विधायक साहब तो बिल्कुल पास के ही है, शासन दया थे तो काम कुछ नहीं है। बदलाव, पक्के में बदलाव, जो मैं कह रहा हूँ बदलाव, और एक वोट नहीं, हजारों वोट बदलाव होगा। हमारे तो एक ही विकास कराव है कि बंदा मैं पानी नहीं आंदो, यही विकास हुआ को। अच्छा जी, बड़ा विकास है, टपक रहा है विकास? हाँ, सब बहुत बड़ा विकास है। कितना बड़ा? नीचे बढ़ा के 25 गांव अगर खत्म हो जाए तो उनको बहुत फायदा है। अच्छा, उनको फायदा। जनता से चर्चा कर ये बात तो साफ हो गई है कि विधायक केवल अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी कागजों में क्षेत्र का विकास करते हैं और क्षेत्र की जनता उनके कार्य के कारण भौतिक सुख सुविधाओं से मीलों दूर है। देखने वाली बात यह है कि क्या विधायक एक बार फिर से क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगे या फिर इस बार जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है।